गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप लोग को क्लास फिफ्थ की इंग्लिश रीडर करा रही हूँ, जिसमें चैप्टर टू करा रही हूँ, आइडेंटिफाई योर सेल्फ नॉट अदर्स। तो इस चैप्टर के मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स करवा रही थी, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे, बाकी बच्चे हुए आज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हर्मिट डू टू द स्कॉर्पियन, यानी कि ऋषि ने बिच्छू के साथ क्या किया। तो आंसर होगा, द हर्मिट टुक द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड, ऋषि ने बिच्छू को अपने हाथ पर ले लिया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्कॉर्पियन डू टू द हर्मिट, बिच्छू ने ऋषि के साथ क्या किया। तो आंसर क्या होगा, द स्कॉर्पियन स्टंग द हर्मिट फिंगर, बिच्छू ने ऋषि की उंगली पर डंक मारा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हर्मिट रिप्लाई टू हिज डिसिप्ले, यानी कि ऋषि ने अपने शिष्य के उत्तर का क्या रिप्लाई दिया, क्या उत्तर दिया। तो आंसर होगा, माय सन लिसन, उसने कहा मेरे पुत्र सुनो, द स्कॉर्पियन स्टंग मी, यानी कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा, इट वॉज इट्स हैबिट, यह उसकी आदत है, और आई सेव्ड इट, मैंने उससे बचाया, इट वॉज माई हैबिट, यह मेरी आदत है। उसके बाद है, राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है मैनी, मैनी का होगा सम, लॉन्ग का होगा शॉर्ट, लव का हेट, आंसर का क्वेश्चन। तो आज मैंने आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीट कराया, ये वर्क आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। बाकी बचा हुआ ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।